नमस्कार, मेरा नाम नव्या सिंह है और मैं प्राउड ट्रांस वूमन हूँ। मैं मिस ट्रांस क्वीन इंडिया, जो कि इंडिया का पहला नेशनल ट्रांसजेंडर ब्यूटी पेजेंट है, उसकी ब्रांड एम्बेसडर भी हूँ। आप सभी को पता है कि जब भी ट्रांसजेंडर की बात की जाती है तो काफ़ी कहीं ना कहीं खूबसूरती और ग्रेस और ब्यूटीफुलनेस की बात की जाती है, तो आज वही चीज़ें मैं आपको दिखाने वाली हूँ इस प्राइड मंथ में। और मैं काफ़ी गर्व के साथ कहती हूँ कि एक क्लिनिक है जिसका नाम है स्किन इन्फिनिटी, और जिनकी डॉक्टर ने हम सभी के साथ कोलाब्रेशन किया है एंड दे आर गिविंग अस द बेस्ट ट्रीटमेंट। सो आई एम गोना शो यू, सो आई एम जस्ट फॉरवर्डिंग दिस कैमरा टू हर। थैंक यू सो मच नव्या, दैट वॉज सो काइंड ऑफ यू। नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर जयश्री शरद है और मैं स्किनफिनिटी की CEO हूँ और 21 साल से चला रही हूँ, प्रैक्टिस कर रही हूँ, लेकिन क्लिनिक जो है ये इस क्लिनिक को 15 साल हो गया है। तो मैंने सोचा कि प्राइड मंथ हमें भी सेलिब्रेट करना चाहिए और एक इंक्लूसिविटी होना चाहिए, हमें यू नो एनकरेज करना चाहिए हमारे सारे फ्रेंड्स को, कॉलीग्स को, और एक सपोर्ट सिस्टम होना चाहिए, यू नो टू अंडरस्टैंड ईच अदर, बी फ्रेंड्स, बी एब्सोल्युटली लाइक वन फैमिली। सो दैट इज़ व्हाई वी आर सेलिब्रेटिंग, इसलिए हम ये प्राइड मंथ सेलिब्रेट कर रहे हैं कि हम सब एक हैं और जो कुछ कर रहे हैं वो हम सब साथ कर रहे हैं। वी हैव द सेम यू नो द टच, द फील, द इमोशंस, द लव, सब कुछ सेम है, तो फिर ये डिफरेंस क्यों, राइट? तो इसलिए ये प्राइड मंथ स्किनफिनिटी सेलिब्रेट कर रहा है। तो आज आप रोशनी पे क्या ट्राई करने वाली हैं? तो रोशनी ने कभी कुछ किया नहीं है और वो बहुत ही खूबसूरत है, तो बट आई थिंक वी डिस्कस्ड एंड वी सेड यू नो कि थोड़े से लिप्स जो हैं, अपर लिप रोशनी के थोड़े पतले हैं, तो हमने सोचा कि थोड़े आपके अपर लिप्स को थोड़ा सा वॉल्यूम दे और थोड़ा सा फुलनेस दे, तो एक अच्छा सा पाउटी भी आपको चाहिए, ठीक है, हम पाउटी भी दे देते हैं, नेचुरल पाउटी। यस, लिप्स जो हैं यू नो दे आर द मोस्ट अट्रैक्टिव फीचर ऑन अ फेस, ऑल जेंडर्स, इट्स लाइक अ टेम्पटेशन। यस, like how our eyes are nashila, yes. Lips are also, it's a temptation, yeah, right, yeah. So it's so important to have that balance, you know, the right symmetry, the right balance, never overdo it. The key is ki use aap matlab duck lips nahi banana hai, use aap naturally attractive banana hai, to wo hum karenge. Aur dusra hum aapke jaise humne kaha ki ye jo aapka face hai ek square cut hai, to is square cut ko hum thoda sa oval aur chiseled bana denge. तो ये जो आपका मसल है इसे मैसेटर मसल कहते हैं, तो ये या तो एक्सरसाइज से या बहुत ज़्यादा चू करने से या रात को सोते वक्त अगर आप क्लेंच करते हो टीथ को तो ये मसल बढ़ जाता है, तो उसमें वी गिव बोटॉक्स इंजेक्शंस, बोटुलिनम टॉक्सिन इंजेक्शंस, बिल्कुल घबराइए नहीं बोटॉक्स के वर्ड से। आई थिंक सो बोटॉक्स को लेके बहुत सारे मिसकंसेप्शंस है, आई थिंक सो पीपल थिंक यू नो कि ओ माय गॉड, इंडियन मेंटालिटी कि यू नो उससे बहुत सारे साइड इफेक्ट्स आ जाएंगे ये वो, बट अगर आपको ऐसे लगता है कि देयर इज समथिंग दैट आप ऑलरेडी खूबसूरत हो, गॉड इज गिवन अस ब्यूटी बट वी हैव टू एनहांस इट, सो अगर आप ये कर सकते हो और एनहांस कर सकते हो, सो आई डोंट थिंक सो देयर इज एनीथिंग रॉन्ग, एब्सोल्युटली, यू नो, सो वेल सेड, या बिकॉज़ यू नो वी नीड टू अंडरस्टैंड दैट व्हेन देयर आर सर्टेन ट्रीटमेंट्स अवेलेबल, व्हाई नॉट, क्यों आप जिम जाते हो, आप मेकअप लगाते हो, मतलब हम लोग सब मेकअप लगाते हैं, जिम जाते हैं, डाइट पे ध्यान देते हैं, तो स्किन पे भी क्यों ध्यान नहीं, सो ट्रू, सो इट्स सो इम्पोर्टेंट कि हम इसे एक्सेप्ट करें और ये अवेयरनेस स्प्रेड करें। एंड आई एम सो हैप्पी दैट यू नो यू हैव कम फॉरवर्ड कि मुझे प्रॉब्लम नहीं है, मैं बोटॉक्स या फिलर करवा सकती हूँ, राइट? I think so, with time, with age, you have to do some certain procedures that will keep you evergreen. Yeah. Okay, Roshni, so I have a question, like many trans women are not aware about it, the skin treatments, and many trans women are not aware about how procedure are going on, your facial feminization kya karana hai. Today you are doing your first treatment, how you are excited for it? I am super excited, like when I spoke to Dr. Jayashree like long back, I told her like I want to do some glute treatment and I want to do laser. So she's saying that's basic and that will probably happen when you do 4-5 sessions and then you can see the result.
So she was going through my pics and, you know, you also told me about lip fillers and the masseter thing. And then I just felt, you know, just like, you know, there should be someone, koi to hona chahiye ki aapko wo push de do. And I think so both of you all have done it. And she, Dr. Jayashree ne bola tha ki aapke jo lips hai wo thode patle hai. To usko aur bhi zyada khubsurat kare hum with fillers. And I believe कि अगर जो डॉक्टर ने भगवान ने खूबसूरत दिया है लेकिन डॉक्टर भी है हमें और भी खूबसूरत बनाने के लिए. What your message gonna give to your community while this is Pride Month going on and काफी अच्छे क्लिनिक ने हमसे कोलैबोरेशन किया है, हमें बेस्ट ऑफ ट्रीटमेंट दे रहे हैं. आप हमारी कम्युनिटी के जितने भी मेंबर हैं या फिर जितने भी मेन स्ट्रीम सोसाइटी के लोग, आप उनको क्या मैसेज देना चाहोगे और इस क्लिनिक के बारे में क्या कहना चाहोगे? इस क्लिनिक के बारे में मैं यही कहना चाहती हूँ कि दिस इज वन ऑफ द बेस्ट क्लिनिक फॉर स्किन ट्रीटमेंट्स, फॉर लिप फिलर्स, फॉर हेयर ट्रीटमेंट्स. आई थिंक सो आप लोग को यहाँ एक बार आना ही चाहिए. एंड इनफैक्ट जब आप आओगे यहाँ पे, सबसे पहली बात तो यहाँ की एम्बियंस जो है, जो लोग हैं वो इतने यू नो दे आर सो सॉफ्ट, दे आर सो अपलिफ्टिंग, दे टॉक टू यू एवरी नाउ एंड देन. आई थिंक सो वो एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर हो जाती है टू काइंड ऑफ गेट द पीपल अट्रैक्टेड टू यू. सो वो है. एंड आई वुड सजेस्ट इवन ट्रांस पीपल, नॉट जस्ट कि पर्टिकुलर ट्रांस, बट आई थिंक सो एवरी वन यहाँ आना चाहिए और शुड डॉक्टर डॉक्टर जयश्री, बिकॉज शी हैज़ बिन डूइंग विद ऑल द बॉलीवुड स्टार्स. हॉलीवुड भी, बॉलीवुड हॉलीवुड इंशाल्लाह ज़रूर वहाँ तक पहुँचेगी. बट या बट आई रियली थैंक हर फॉर हैविंग दिस सेशन एंड आई थिंक सो दिस वॉज, ये सब जो है वो एक यू नो इट वॉज ऑल कॉल्ड फॉर, you know, all this plan. And I would just like to wish everyone a very happy Pride. Or thank you, Doctor. Thank you. And I can't wait. And Hi, my name is Inder Bhatwar. Happy Pride Month. Hi, I'm Ashish Shavastav. And we are an out and proud couple. This Pride Month has been really good. With regards to the kind of inclusion that we've seen so far. And right now we are here sitting at Skinfinity Clinic. It's Dr. Jayashree's clinic and she is one of the leading skin experts in the country. And it was very sweet of her to get in touch with us and call and speak to us regarding that she want to do something for the community, yeah. Just not for the Pride Month. Like she want to continue this whole support and give this care and this whole feel for us, you know, throughout every time whenever people wants to come here. And it was really sweet of her to decorate the entire clinic with colorful balloons and pride flag and stuff. So like that. These little things are things that make you, you know, feel welcome in a place, especially for the community members. So yeah, we both did get our treatment over here a while ago, and you can see the glow and the radiance on our skin. And yeah, so it's the whole thing, you know. As a couple or a drag queen or a transgender, so we use lots of skin products and stuff, and we look a place like this where we can be ourselves. They know about us, and there is no question mark or there is no joke and laugh regarding the our preference and stuff, yeah. Behind our back, and they're giggling, you know, when the mask is on or something like that. So I think clinic like this is giving us that space, and so we feel good, like a family or like, you know, the home, like we can be ourselves and lying on our bed when they are doing our treatment. So that's what very pampering. Yeah. I really enjoyed the entire experience, you know, all the doctors who were attending us and, you know, going through our procedure and with the things that I've done and separate things that he's done so far. Yeah. So I think just not we are talking about Pride Month and Dr. Jayashree's clinic. We need more like the support from the people like LGBT ally, and so please come out, please support us, and we are anyways there. Colorful will come with the whole colors, and we'll spread the colors on your place. So I think
I love the treatment. Okay, go ahead. So the best part of my whole treatment was the oxygen, which was very good, even the mask. And normally this time we hate to wear masks, but today I was like, please don't remove this mask. I was so much enjoying and relaxed to that. Another thing which I want to highlight with this medium is the importance of skincare, because in the current scenario with the pollution and with a lot of things that our skin is subjected to, it is really, really important to take care of your skin. And you know, your skin is such a good medium that it will tell you when the things are not working out for you, and you should know how to read your skin. And I would really appreciate if, you know, people could come and visit the clinic, and you can get your hands on to doctor's book. It tells you about the different skin rules and the 6-week plan for good and radiant skin. So what are you waiting for? Happy Pride. Happy Pride. Yeah, start. नमस्कार, मैं डॉक्टर जयश्री शरद, एक कॉस्मेटिक डर्मेटोलॉजिस्ट हूँ मुंबई से, और स्किनफिनिटी मेरा क्लिनिक है. मेरे दो ब्रांचेज हैं, एक खार में है, एक न्यू बॉम्बे में है. और ये हमारा 15th ईयर है स्किनफिनिटी का, और जून 15th को हमने 15 साल कंप्लीट किए. तो मैंने सोचा ये प्राइड मंथ भी है तो क्यों ना हम सेलिब्रेट करें. और हमारे जितने फ्रेंड्स हैं जो कि ये प्राइड मंथ सेलिब्रेट कर रहे हैं, उनके साथ जुड़ करके हमने कहा कि कुछ अलग सा करें. तो आज मेरे पास मेरे सारे फ्रेंड्स आए हुए हैं, और उनके लिए मैंने एक उनका स्किन जो है अच्छे से देखा, उनके फेसेस को परखा, और फिर प्लान किया कि क्या क्या करना चाहिए. तो रोशनी आई हैं, मैंने उनको लिप फिलर सजेस्ट किया क्योंकि उनके अपर लिप्स बहुत ही थोड़े पतले थे. तो मैंने कहा थोड़ा सा पाउट दे देते हैं, थोड़ा सा वॉल्यूम दे देते हैं, एक थोड़ा सा मैसेटर बोटॉक्स कर लेते हैं. फिर नव्या आई हैं, उनको भी थोड़ा मैसेटर बोटॉक्स करेंगे तो उनका एक हल्का सा ये जो लुक है ये और चिजल हो जाएगा, वो बहुत खूबसूरत है. और फिर संकेत आए हैं, उनको कुछ ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, उनको एक फेशियल हम प्लान कर रहे हैं उनके लिए. और आशीष हैं, वो तो बस बिल्कुल फ्लॉलेस स्किन है उनका. तो हम आशीष के लिए हम एक हल्का सा यहाँ पिगमेंटेशन है, थोड़ा सा टैन है, तो वो हम एक क्लियर लिफ्ट लेज़र से वो टैन हम निकालेंगे. एंड फाइनली इंदर हैं, उनका स्किन ज़रा सेंसिटिव है तो हम उन पे लेज़र्स वगैरह नहीं करेंगे. हम उन पे एक हाइड्राफेशियल नाम का ट्रीटमेंट करेंगे जिसमें ब्लैक हेड्स निकाली जाएंगी, ऑक्सीजन थेरेपी दिया जाएगा और एक अच्छा सा ग्लो मास्क दिया जाएगा. तो ये आज का पूरा प्लान है. सो सिंस इट्स द 15th एनिवर्सरी ऑफ स्किनफिनिटी, आई डिसाइडेड टू डू समथिंग डिफरेंट. आई ऑफ्टन हैव अ लॉट ऑफ पेशेंट्स हु आर फ्रॉम द LGBT कम्युनिटी. And a lot of times, I find that, you know, there is a certain amount of inhibition in them when they walk into clinics or when they go anywhere. They feel as if, you know, there is no inclusion, you know. A common man finds it a little difficult to adjust with the community. But they are individuals, they are human beings, they are like us. They have the same emotions, they also can love, you know, they have sorrow, they have you know, all the mixed emotions that we go through, they are a part of us. So why the discrimination? And that's why I thought, you know, we need to encourage people to accept this community, and with pride and with honor. And, you know, they are all heroes in their own field, actors in their own field. They do great in whatever they do. You know, I know a lot of them. And I am very proud to say that I am actually friends with a lot of them. And I find them to be better friends, honestly. More loyal, you know. And which is why I thought our country as such, of course abroad people are coming out and they're more open about it. But in our country there are still a lot of inhibitions and we need to break that. And we need to include all of these as a part of our own. We have to understand this. So this is my book, Skin Rules.
This is the second of my books. My first book was called Skin Talks. It was released in 2014. This one was released in 2018. Both of them were launched by Shri Amitabh Bachchan, who is my inspiration. And this book has been a bestseller, as you can see. It's actually a national bestseller. You know, you can see that here. And a lot of people have embraced it, loved it. And just as you guys have embraced this, you must all embrace the LGBTQ community as well. So this book is like a Bible. It talks about skincare and, you know, the do's and don'ts of, you know, skin. And it also talks about the various treatments that one can do. So it's an easy read. And I urge all of you to buy it. The proceeds of this book go to the Nargis Dutt Foundation. Every year, whatever comes, I give it to them. And so that is the reason, that's one more reason why I would urge all of you to read the book. Hi, my name is Inder Vaidwaj. Hi, my name is Navya Singh. Hi, my name is Roshni. Hi, I'm Dr. Jayashree Sharad. Hi, I'm Ashish Srivastav. Hi, I'm Sanket Savan. जिस तरह से हम बात करें आपने जो है मैम कराया रहा तो कैसा लगा आपको कैसा फील हुआ इनिशियली मुझे बहुत नर्वस आई फेल्ट लेकिन मुझे आई एम राइट नाउ इन क्लाउड 9 मुझे बहुत अच्छा लग रहा है आई एम फीलिंग मोर एम्पावर्ड मोर ब्यूटिफुल मोर सेक्सी एंड मुझे बहुत अच्छा लग रहा है आई रियली वॉन्ट टू थैंक डॉक्टर जयश्री कि उसने इतनी ब्यूटिफुली मेरी होठ बनाए हैं ऑलरेडी ब्यूटिफुल थी और भी ज्यादा जो भगवान नहीं देता वो डॉक्टर देता है तो लोगों को क्या करेंगे अपील क्या करेंगे ट्रीटमेंट करवाने का क्या मेरा ये मैसेज है बिकॉज बहुत सारे ट्रांस वुमेन्स स्पेशली मुझे बहुत सारे डीएम्स और मैसेज करते हैं कि हम लोग को पता नहीं है कि कौन से एग्जैक्टली क्लिनिक में जाना है कौन सा लिप फिलर्स करना है कौन सा बोटॉक्स करना है तो आई वुड सजेस्ट ऑल ऑफ देम कि आप आए यहाँ पे और एंड डॉक्टर जयश्री आपको और भी ज़्यादा खूबसूरत बनाएंगे और यहाँ पे बहुत कंफर्टेबल स्पेस है सब लोग के लिए बिकॉज अभी सब लोग कॉन्फिडेंट नहीं हम लोग की तरह कि हम कौन से भी क्लिनिक में घुस जाते हो ट्रीटमेंट करते हैं बट दे आर वेरी नर्वस वो लोग सोचे कि लोग क्या सोचेंगे सो आई वुड सजेस्ट क्वेरी पीपल हो या पीपल हु आर नॉट कम्फर्टेबल कि दूसरे क्लिनिक में जाने को तो प्लीज़ कम एंड मैं कुछ ऐड करना चाहूँगी कि बहुत ही अच्छा लगा कि इस प्राइड मंथ में स्किनफिनिटी ने हमारे साथ काफ़ी अच्छा कोलैबोरेशन किया इन प्राइड मंथ एंड हम चाहते हैं ना सिर्फ प्राइड मंथ ही रहे जो जितने भी साल रहे साल में 365 डेज होते हैं जब हम इंक्लूजन और इक्वालिटी की बात करते हैं तो मेन स्ट्रीम सोसाइटी में हमारा जोड़ा जाना बहुत इंपॉर्टेंट है और आई जस्ट वॉन्टेड टू थैंक हर स्पेशली कि आज इन्होंने हमें बुलाया और इन्होंने अपने क्लिनिक की सबसे बेस्ट और एक्सपेंसिव ट्रीटमेंट दी है आप सभी को पता है कि आप ग्लैम इंडस्ट्री से बिलोंग करते हैं स्किन फिलर जो लिप फिलर होते हैं फिलर्स कितने स्पेशली फिलर्स बहुत एक्सपेंसिव होते हैं जब आप बोटॉक्स कराते हैं तो कितना एक्सपेंसिव होता है इन्होंने हमारे लिए फ्री रिकमेंडेशन किया है एंड very best wishes to her her clinic also and I would say everyone please come and get your treatment done from here sir aap kya kehna chahenge jis tarah se aapne karaya hai treatment to kaisa laga aapko see basically as a gay couple aap kahin bhi clinic pe jaoge to as a they treat you as a two friends or something like that so when we today we entered and we saw the rainbow flag and all so hum log bahut comfortable ho gaye like you know this is like our home kind of a thing हम लोगों ने लाइक माई स्किन हैड लिटिल डैमेज एंड लिटिल करेक्शन टू बी डन सो डॉक्टर गेव मी द होल ट्रीटमेंट गेव मी द होल प्रिस्क्रिप्शन वेयर आई रियली लव द ऑक्सीजेट एंड द मास्क पार्ट एंड माई स्किन इज ग्लोइंग नाउ लोगों को क्या संदेश देना चाहेंगे सी ऐसे क्लिनिक और डॉक्टर्स का सपोर्ट हु आर आउट एंड सपोर्टिंग आर कम्युनिटी सो लॉट्स ऑफ पीपल आर जो घर में डरते बाहर जाते नहीं है लोगों की इंट्रैक्शन होता नहीं है तो उनके लिए एक स्पेस बन जाता है कि वे दे कैन कम देमसेल्फ एंड डू समथिंग जस्ट ओपन माइंडेड होके मैं ये भी कहना चाहूँगी कि लोग बहुत घरेलू नुस्खों पे जाते हैं ठीक है घरेलू नुस्खे काम करते हैं बट आज के डेट में साइंस और मेडिकल इतना ज़्यादा एडवांस हो चुका है टेक्नोलॉजी इतनी ज़्यादा एडवांस हो चुकी है कि आप 40 की उम्र में भी 16 दिख सकती हैं जितने भी बॉलीवुड
सेलिब्रिटीज हैं या फिर एक्ट्रेस हैं या एक्टर हैं, आप देखते हो कि उनके चेहरे पे रिंकल्स नहीं होते. सो दिस इज वन ट्रीटमेंट, मतलब कि आप यहाँ पे आके डॉक्टर की सलाह से, सही गाइडेंस से, सही ट्रीटमेंट के सही तरीके से आप अपने स्किन को निखार सकते हैं. आप भी ऐश्वर्या राय दिख सकती हैं और आप भी सलमान खान दिख सकते हैं. मैम आप क्या कहना चाहेंगे, जिस तरह से आपने ट्रीटमेंट किया है, आपको जो है क्लिनिक का नाम बताया जा रहा है, क्या कहना चाहेंगे आप? मुझे लगता है कि मतलब सब इंसान एक जैसे होते हैं और सबको अपने स्किन का ख्याल रखना चाहिए. और जब आप सुबह उठते हो और अपने आप को मिरर में देखते हो तो आपको वो कॉन्फिडेंस आना चाहिए कि हाँ भाई मैं अच्छी लग रही हूँ या अच्छा लग रहा हूँ, राइट? तो इसलिए स्किनफिनिटी बना है, सबके लिए बना है ये, किसी सिर्फ बॉलीवुड या सिर्फ किसी एक इसके लिए नहीं है, ये सबके लिए बना है. तो जनता को क्या बताना चाहेंगे? हाँ, मुझे लगता है आप प्लीज़ घबराइए नहीं स्किन के ट्रीटमेंट से. बहुत सारे लोग, उनको डर लगता है कि अरे बोटॉक्स से फेस पैरालाइज हो जाएगा या हमारे एक्सप्रेशंस गायब हो जाएंगे या फिलर्स से हम कुछ अलग दिखेंगे. अगर कोई भी चीज़ सही तरीके से किया जाए और एक किसी क्वालिफाइड डॉक्टर के पास अगर आप जाओ जिन्हें अच्छी सी ट्रेनिंग मिल चुकी है और उन्हें पता है कि किस तरह से स्किन के साथ क्या क्या करना चाहिए, तो साइड इफेक्ट्स नहीं होते हैं. क्या मैम इसका चार्ज भी लिया जा रहा है कि कैसा क्या हुआ है? आज तो कोई चार्ज नहीं है, बट आगे हम डिस्काउंट जरूर देंगे. फ्री में तो नहीं कर पाएंगे क्योंकि थोड़ा पैसा हमें कितना डिस्काउंट रहेगा, क्या कितना चार्ज रहेगा, क्या बताना चाहेंगे? ये तो मैं प्लान करूंगी. हर एक का ट्रीटमेंट अलग होता है, लेजर्स अलग होते हैं, फिलर अलग होता है, बोटॉक्स होता है, कोई किसी को पील, किसी को कुछ भी नहीं, किसी को सिर्फ दवाइयों की जरूरत होती है. आखिर डॉक्टर हूँ मैं, MBBS के बाद MD करके स्किन की मतलब स्पेशलाइजेशन किया है, फेलोशिप किया है US में और बैंकॉक में. तो उस मतलब पूरा जो कुछ होगा वो साइंटिफिक होगा. हर एक का स्किन अलग होता है, तो स्किन को देख करके, हर एक का चेहरा अलग होता है, उसको देख करके परख करके फिर प्लान बनाएंगे और उस हिसाब से हम डिस्काउंट भी देंगे. सर आपको क्लिनिक में आके कितना अच्छा लगा, क्या कहना चाहेंगे? ओके, सो क्लिनिक में आके इनिशियली आई डिडंट नो डॉक्टर, सो उतना इंटरेक्शन नहीं होता, इट वॉज अ वेरी फॉर्मल कॉन्वर्जेशन. बट धीरे धीरे एज सून लाइक व्हेन शी डिड माय लेजर ट्रीटमेंट, सो वी गॉट अ लिटिल पैली, आई गॉट टू नो हर, शी गॉट टू नो मी, सो नाउ वी बिकम वेरी वेरी कंफर्टेबल. थैंक यू. एंड द बेस्ट पार्ट इज वी इट्स ओनली टेकन अस अ कपल ऑफ आवर्स टू बिकम वेरी कंफर्टेबल. एंड द बेस्ट पार्ट अबाउट द क्लिनिक व्हिच आई रियली लाइक्ड वाज द वे डॉक्टर वाज एग्जामिनिंग अस एंड गिविंग अस द प्रॉपर गाइडेंस, बिकॉज treatments anybody can do with the proper skills, but what she excels in is the guidance and the points that she makes for you. She gave us a proper plan, a skincare routine, what to do, what not to do, and how to take care of your skin. And even like she has mentioned in a book that you need to read or you need to understand what your skin is telling you. So wo samajhna bahut zaruri hai. Aur we were really elated to see all the different like small things. If you see balloons around the hospital just for us, so it was very very sweet. And ये छोटी छोटी चीजें हम लोगों को और खुश करती हैं अंदर से. So that was really really sweet of you. Thank you. Thank you. I will add one more thing. कि the entire procedure, as soon as we enter the clinic, everybody have taken such a good safety precaution. Yes. From your staff. They're wearing double mask, there is a shield on they it. They gave us the and drink to gargle, that was the first time. हमारा टेम्परेचर बकायदा चेक किया, उसके बाद हम लोगों ने गार्गल किया, उसके बाद जब हमारे प्रोसीजर्स के लिए तो हमने अपना मास्क रिमूव किया. सो वी आर फॉलोइंग द रूल्स ऑफ प्रोटोकॉल. जब आप बीटाडीन गार्गल करते हो ना, तो आपकी ओरल कैविटी जो है वो एटलीस्ट 2-3 घंटे के लिए स्टेराइल हो जाती है. तो इस वजह से हम वो करवाते हैं ताकि हम इस तरह से बात कर सकें और जो ट्रीटमेंट्स है वो फेस पे करते हैं तो वो इन्फेक्टिविटी वगैरह ना हो. सो दैट्स व्हाई वी आर सेफ एंड ऑफ कोर्स वी आर ऑल वैक्सीनेटेड आल्सो. या थैंक यू. थैंक यू. व्हाट अबाउट सर, आप क्या कहना चाहेंगे? आपको कितना अच्छा लगा क्लिनिक में आके, और क्या कहना चाहेंगे, जनता तक क्या सोचना चाहेंगे? वेल फर्स्ट ऑफ ऑल once I visited the clinic, I felt like home. Like she made us feel like home, so thank you for that.
And secondly, I think this has been my first meet with Dr. Jayashree, and it never made me feel like I'm meeting her for the first time. So she gave us all the comfort that I was looking for. Thank you. And since I'm a drag artist, I end up applying a lot of makeup on my face, and because of which, मुझे बहुत ही ज़्यादा skin का ध्यान रखना पड़ता है. And I ended up sharing the same information with Dr. Jayashree, and she recommended me a couple of treatments which I went through. And of course, my skin feels quite rejuvenated. And thank you so much for everything my you've pleasure. Done for thank us. You. Thank you. Thank you so thank much. Much. Thank, thank you thank so you. Much. She's my manager, Swati. Hi. Those two sweeties behind, that's Ankita and that's Ranjana. Those are my sisters. Hi. Hi. This is Salma. She's my housekeeper. And hello. Her sister, kahan hai Farida? So both sisters are housekeepers. Okay. That's Afreen. Hi. She's either posing with me behind or behind the camera. With also and behind also. And that's Chris. Hi. Hi. I think he's the youngest. Is he the baby yeah. of the clinic? Yeah. He's very good videos of us. Yeah. Only that there was no battery. Every time the battery. Done? Yeah, done. Thank you. Oh,